सभी समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं आप सभी से निवेदन है कि आप सभी दीदी स्वयं सहायता समूह को अच्छे से चलाइए जी हाँ और पंचसूत्र का पालन करते रहिए क्योंकि अगर आप लोग समूह को अच्छे से चलाएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऋण पा सकेंगी और रोज़गार भी कर सकेंगी अधिक से अधिक ऋण पाने के लिए जी हाँ दीदी अधिक से अधिक ऋण पाने के लिए योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आप लोग हो जाइए तैयार जी हाँ जो दीदियाँ पंचसूत्र सूत्र का पालन करेंगी उन्हीं दीदियों को सबसे पहले वरीता दी जाएगी जी हाँ पन सूत्र क्या है जानते हैं इस वीडियो में पहला है साप्ताहिक बैठक दूसरा है साप्ताहिक बचत तीसरा है आंतरिक उधार, चौथा है समय से ऋण वापसी और पांचवा है लेखा जोखा किया जाना जी हाँ समूह के रिश्तों को लेखा जोखा किए जाना अगर आप लोग सारे रिश्तों को अच्छे से लिखेंगी तब आपको दीदी सबसे पहले वधिता दी जाएगी स्वयं सहायता से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं जी हाँ कहाँ प्रेरणा टी चैनल से जी हाँ नए नए जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए आते हैं मेन टॉपिक की तरफ एक फरवरी से बदल गया राशन कार्ड जी हाँ एक फरवरी से बदल जाएगा राशन कार्ड से जुड़ा नियम राशन के लिए मोबाइल जी हाँ मोबाइल पर अब ओ और पी और आयरिस थ्रेटिकेशन होना जरूरी है जी हाँ होगा जरूरी राशन कार्ड धारकों को जी हाँ राशन कार कार्ड धारकों सहित अन्नपूर्णा तथा अंत्योदय कार्ड धारकों को हर महीने मिलना वाला राशन अब बायोमेट्रिक पद्धति की जगह मोबाइल पर ओटीपी और आई सीरीज जी हाँ मोबाइल ओ टी पी और आयरिस अथेंटिकेशन की सहायता से मिलेगा राशन कार्ड धारकों के लिए जी हाँ राशन कार्ड धारकों के लिए ये जी हाँ जरूरी खबर है इस खबर को आप लोग ज़रूर सुने अंत तक ज़रूर देखती रहें दीदी नई दिल्ली राशन कार्ड धारकों सहित अन्नपूर्णा तथा अंत्योदय कार्ड धारकों को हर महीने मिलने वाला राशन अब बायोमेट्रिक पद्धति की जगह मोबाइल ओटीपी और आईरिस अथेंटिकेशन की सहायता से मिलेगा हिंदू में जी हाँ हिंदुस्तान में छपी एक खबर के अनुसार राशन कार्ड से जुड़ा यह नियम देश के तेलंगाना राज्य में एक फरवरी से जी हाँ एक फरवरी दो हज़ार इक्कीस से लागू हो जाएगा यह कदम कोरोना महामारी के कारण फैले संक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है संक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जी हाँ संक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन को बंद किया गया है आधार को मोबाइल से लिंक करना होगा जरूरी जी हाँ आधार को मोबाइल से लिंक करना होगा जरूरी सिविल सप्लाईज विभाग के अधिकारियों के अनुसार सभी कार्ड धारकों को राशन के लिए अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर के जी हाँ आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक कराना जरूरी होगा ताकि उस पर ओ भेजा जा सके यह निर्णय हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश के दिशा निर्देश के अनुसरण में लिया गया है कोर्ट ने यह निर्णय दायरा जी हाँ कोर्ट ने यह निर्णय दायरा याचिक पर सुनवाई के बाद लिया इस याचिक में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका जताई गई थी हैदराबाद और रंगारेड्डी जिले में ओटीपी से मिलेगा राशन जी हाँ ओटीपी से मिलेगा राशन हैदराबाद और तत्कालीन रंगारेड्डी जिले में आयरिस अर्थेटिकेशन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण इन जगह पर राशन की सामग्री मोबाइल ओ के जरिए दिया जाएगा हैदराबाद के चीफ जी हाँ हैदराबाद के चीफ राशिनिक अधिकारी बालामाया देवी ने कहा कि एक फरवरी हैदराबाद के सभी छः सौ सत्तर फेयरशॉप में राशन सामग्री का वितरण मोबाइल ओ टी पी से ही किया जाएगा इस जिले के लोगों को आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओ टी पी भेजा जाएगा माया देवी ने सभी कार्ड धारकों को सामग्री प्राप्त करने के लिए अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से जोड़ने का सुझाव दिया गया है राशन कार्ड धारकों सहित अन्नपूर्णा तथा अंत्योदय कार्ड धारकों को हर महीने मिलने वाला राशन अब बायोमेट्रिक पद्धति की जगह मोबाइल ओ और आयरिस ऑथेंटिकेशन की सहायता से दी जाएगी आज आप सभी दीदी से निवेदन है कि आप सभी दीदियाँ मेरे वीडियो को शेयर किया कीजिए और जानकारियाँ प्राप्त किया कीजिए क्योंकि जानकारियाँ ही सबसे बड़ी ज़रूरत है क्योंकि जब तक दीदी आपके पास कोई जानकारी नहीं रहेगी आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा समूह में जुड़ने से पहले किसी दीदी को कोई जानकारियाँ नहीं हुआ करती हैं लेकिन जब समूह में दीदियाँ जुड़ती हैं तो नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग समूह में जुड़िए और नई नई जानकारियाँ प्राप्त कीजिए जो दीदियाँ पहले घर में चूल्हा चौका के लिए ही सीमित थी जब से वो दीदियाँ समूह में जाने लगी हैं आने लगी हैं तब से दीदियों की जानकारी बढ़ी है अगर आप लोग भी समूह में बैठक करेंगी एक दूसरे दीदियों से चर्चा करेंगी तो आप लोग के लिए अंदर बोलने की क्षमता उत्पन्न होगी और एक दूसरे की दुख को समझने की भी क्षमता उत्पन्न होगी तो एक दूसरे से बात मुख्य चर्चा में आप लोग बातचीत किया कीजिए एक दूसरे को दीदी की जो परेशानियां हैं उसको समझा कीजिए और दूर भी किया कीजिए पहले तो आर की धनराशि आ जाएगी छोटा छोटा ऋण मिलेगा उसके बाद आपको जब सी आई एफ धनराशि आएगी तो उससे बड़ा ऋण मिल जाएगा बीस पच्चीस हज़ार तक का आप ले सकती हैं फिर उसके बाद जब सी सी एल का आ जाएगा तो काफ़ी लंबा ऋण मिल सकता है अगर आप लोग रजिस्टर अच्छे से लिखेंगी तो आज की वीडियो की जानकारी बस इतना ही दे दी आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें आज के वीडियो में इतना ही धन्यवाद